ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आप उनके बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो? नाइट ड्यूटी से? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भेड़। मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। पानी। अरे यार तू तो अपने से भी ज्यादा खींच ले ले। अरे गुरु इसको तो बहुत तेज बुखार है। बुखार है भाई? कौन हो तुम, किधर जाना है? बॉम्बे से 300 किलोमीटर दूर। अरे तो तुमको मिर्जागंज उतर जाना था ना भाई। हाँ, एक काम करो, अगला स्टेशन देवीपुर है। हा? तुम देवीपुर में उतर जाओ। देवीपुर? देवीपुर में एक मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। उस धर्मशाला में एक अस्पताल भी है, वहाँ तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा। तुमको बहुत बुखार है ना, कंबल ले ले, इसको अच्छी तरह से ओढ़ लेना, तुम्हें ठंड नहीं। कौन है ये? पता नहीं माँ जी, अंदर आ रहा था, अचानक गिर पड़ा। अरे इसका बदन तो जल रहा है। शिवराम जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ। सुभद्रा जाके जल्दी से कंबल लेके आ। तुम लगाओ, उठाओ इसे, उठाओ। अरे भाई जवान मर्द हो और एक सुई के चुभने से चीख रहे हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अगर चाहो तो अपने घर जा सकते हो। माँ जी चिंता की कोई बात नहीं, जख्म की वजह से बुखार हो गया था। सुबह बेटी अगर तुम चाहो तो आज से इसे खाना भी दे सकती हो। जी, कितने दिन हो गए, न जाने इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। डॉक्टर साहब, जब ये बेहोश होकर गिरा था ये कागजात उसके पास थे। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तो तड़ी पार कैदी है माँ जी। क्या? इसे तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट करना है। सुबह? हाँ बुआ, इसे खाना दे देना और कह देना मंदिर से चला जाए। अरे बहन जी, खाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिव काका, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी, बीमारी से उठा है बेचारा, कम से कम खाना तो खा लेता। खाना देना। ए सुभद्रा माई। अरे बाबा तुम। खाना देना खाना। इतने दिन कहाँ थे? और कहाँ, अपने खजाने की तलाश में आ गए। कौन? वही माँ जी के पति। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, खाना खाओ और चुपचाप चले जाओ। क्या बोला, क्या बोला तू? माफ कीजिएगा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। हमारा नाम राधा है, राधा। जरा मेहरबानी करके
पुलिस चौकी का रास्ता बताएंगे? फालतू बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ से सीधा चलते जाओ, मिल जाएगी पुलिस चौकी। एक घंटे से साला घूम रहा हूँ पुलिस चौकी का। ए, सुनो क्या है। पुलिस चौकी कोई फरियाद लेकर जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी भी बहुत दूर है, नजदीक कहीं कुआं मिल जाएगा। ढूंढो, मिल जाएगा, जाओ। शुक्रिया। ए, ए, सुनो यहाँ यहाँ ज्यादा प्यास लगी है का? जी। दूध पिएगा? दूध? जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो का हुआ, पीले पीले, तुझे प्यास लगी है ना, ये भी पानी ही है, ले। यहाँ अजनबी लगते हो, कहाँ ठहरे हो? जी गांव में कोई जगह ढूंढ लूंगा। अरे गांव में तुझे कौन जगह देगा, सबके घर में जवान बहु बेटियां हैं। तू एक काम कर, मंदिर के धर्मशाले चले जाना, वहां की माँ जी बड़ी दयालु है। जी अच्छा। अबे नालायक, मुझे क्या विदु ग्वाले की भैंस समझ रखा है। आहिस्ता, अरे पहलवान जी। पहलवान जी किसको पुकार रहा है? आप ही को कह रहा हूँ पहलवान जी, मुझे थानेदार साहब से मिलना है। क्या? वो तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अबे मैं ही यहाँ का थानेदार हूँ। अरे बाप रे। शमशेर सिंह। राम राम जी। ठीक है ठीक है, ये लीजिए। कलीबा खुंडा, अबे अबे तुझे इस इलाके के सिवा दूसरा इलाका नहीं मिला जो मेरे गांव में घुसा है। चल अंदर।